हेलो स्टूडेंट, चलिए आज शुरू करते हैं क्लास टेंथ का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में अपन लोग कर रहे हैं आज प्रूफ ऑफ सेकेंड आइडेंटिटी, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। किसका प्रूफ करेंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा का प्रूफ करेंगे। कैसे? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे यहां पे, एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसका नाम रख देंगे अपन लोग ए बी एंड सी। एंगल ए इज थीटा, एंगल बी इज 90 डिग्री। क्या लिखेंगे? इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज 90 डिग्री एंड एंगल ए इज थीटा। इस आइडेंटिटी में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज किए गए हैं वो क्या है? टेन थीटा एंड सेक थीटा। तो अपन लोगों को टेन थीटा और सेक थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। तो सबसे पहले यहां पे आपको पता क्या होना चाहिए कि बेटा थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। और एडजेसेंट साइड क्या होगी? बेस। 90 के सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेनस। क्या होगी? हाइपोटेनस। क्लियर है? तो टेन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर क्या है यहां पे? बी सी। बेस क्या है? ए बी। क्लियर है? सेक थीटा, सेक थीटा इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेनस एंड बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस इक्वल टू सेक थीटा। तो हाइपोटेनस क्या है यहां पे? ए सी। क्या है? ए सी। और बेस क्या है? ए बी। क्लियर है? अब आपको पता होगा क्या करेंगे अपन लोग, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। इस ट्राइंगल में अपन लोग क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है? बी सी। तो बी सी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? ए बी। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस, मतलब ए सी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले आपको देखना है टेन थीटा का जो इक्वल में दिया गया है बी सी अपॉन ए बी, और सेक थीटा के इक्वल में क्या दिया गया? ए सी अपॉन ए बी। मतलब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिनोमिनेटर क्या आ रहा है यहां पे? ए बी। क्या आ रहा है? ए बी। तो मतलब ए बी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, ए बी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले यहां पे ऑन डिवाइडिंग, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी स्क्वायर, क्योंकि अपॉन में क्या है यहां पे? डिनोमिनेटर क्या है? ए बी। दोनों में ए बी है, तो ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। तो देखिए बेटा यहां पे बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो देखिए बेटा यहां तो डिवाइड होने वाला नहीं है, तो क्या लिखेंगे? बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा? वन इक्वल टू ए सी, सॉरी यहां पे क्या आएगा? ए बी स्क्वायर। ओके, क्योंकि ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया ना अपन लोगों ने, तो ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। यहां क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। यहां तो कैंसिल आउट हो गया, तो वन लिख दिया, यहां कैंसिल आउट नहीं हो तो होल स्क्वायर लगा दिया, यहां कैंसिल आउट तो होल स्क्वायर लगा दिया। ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, यहां बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, यहां पर ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो वन। अब गौर से देखिए यहां पे बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू क्या दिया गया? टेन थीटा। तो अपन लोग बी सी अपॉन ए बी की जगह पे क्या रख देंगे? टेन थीटा, होल स्क्वायर की जगह होल स्क्वायर प्लस वन।
एसी अपॉन ए बी की जगह क्या दिया गया, सेक थीटा, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, सेक थीटा होल स्क्वायर की जगह होल स्क्वायर। तो बेटा टेन थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। सेक थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर जब करते हैं तो पावर यहां पे टू यहां पे लिखा जाता है, ऐसा नहीं लिखा जाता, ऐसा नहीं लिखा जाएगा, ये गलत तरीका। यहां पे कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। जो पावर आएगी वो कहां आएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, यहां पे बीच इसके ऊपर, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको ऐसे ही लिख देते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा करो या टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, बात एक ही होगी, क्योंकि एडिशन कॉमोटेटिव लॉ फॉलो करता है। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, उसके बाद जो है राइट एंगल ट्राइंगल में आइडेंटिटी किन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मिलकर बनी है, तो वो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और फिर पाइथागोरस थ्योरम में क्या करना है, आपको जो इक्वेशन बनेगी पाइथागोरस थ्योरम की, डिनोमिनेटर में दोनों में क्या आ रहा है, अगर डिनोमिनेटर दोनों में जो भी डिनोमिनेटर आ रहा है, ए बी आ रहा है फिलहाल यहाँ, तो ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ए सी आएगा तो ए सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और बी सी आएगा तो बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो फिलहाल तो ए बी आ रहा है तो ए बी स्क्वायर से ही डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो इसमें करेंगे इसमें करेंगे इसमें करेंगे, और इसमें होगा नहीं तो ऐसे लिख देंगे, इसमें हो जाएगा तो वन, इसमें होगा नहीं तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, और इसकी वैल्यू टेन थीटा, इसकी वैल्यू सेक थीटा, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, विच मीन्स वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अपन लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएं, मतलब ट्रांसपोजिशन करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिया गया हो तो आप उसको वन लिख सकते हैं। फिर अगर आपके पास टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, वन को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस वन। तो ये आपकी इस तरीके से भी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। अभी अपन लोग आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन आएंगे तो उनमें अपन लोग इस तरीके से यूज करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। थैंक यू।